हाई एवरी वन, सो वेलकम बैक टू माई चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को सिंगल हेवी साड़ी से लहंगे स्टाइल की साइड ड्रेपिंग सिखाऊंगी। साथ ही यहाँ पे मैं आपको केनकेन स्कर्ट से रिलेटेड कुछ बातें भी बताऊंगी, जो कि अगर जो भी यूज़ करते हैं केनकेन स्कर्ट या यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज़, यहाँ पे आज जो मैं साड़ी यूज़ कर रही हूँ वो मेरी थोड़ी सी हेवी है, और यहाँ पे फैब्रिक जो इसकी है वो शिफॉन है। तो ये आप देख ही सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि साड़ी कितनी हेवी है। अब मैं आपको यहाँ पे केनकेन स्कर्ट से रिलेटेड कुछ गलत फहमी दूर कर देती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे मैंने ही यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाली थी केनकेन स्कर्ट से रिलेटेड, और ये भी बताया था कि आप कैसे साड़ी से लहंगा बना सकते हो केनकेन स्कर्ट की हेल्प से। तो मैंने वहाँ पे अपनी फ़र्स्ट वीडियो में यहाँ अंदर की साइड में जेगिंस वियर किया हुआ था, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से इनको दिखा सकूँ। अब लोग क्या कर रहे हैं कि इनकी कॉपी कर रहे हैं, और यूट्यूब पे ढेर सारी ऐसी वीडियोस आ गई हैं केनकेन स्कर्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप केनकेन स्कर्ट यूज़ करते हो और नीचे की साइड पे आप हील्स पहनते हो, तो इससे क्या होगा, केनकेन स्कर्ट की जो लेंथ है वो नीचे से थोड़ी इस टाइप से ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो अगर आप इनका लेंथ नीचे करने जाओगे तो आप जेगिंस और अंदर की साइड में या जींस वियर किए रहोगे तो आप वहाँ पर कैसे टक कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अंदर की साइड में पेटी कोट वियर करनी है, ताकि पेटी कोट की डोरी के अंदर से इन करते हुए आपकी फैब्रिक केनकेन स्कर्ट की लेयर को भी टच करें। इससे क्या होगा कि आपकी केनकेन स्कर्ट की लेयर भी बिल्कुल फ्लोर टचिंग रहेगी, और साड़ी भी आपकी अच्छे तरीके से कैरी रहेगी आपके साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अब मैं आपको साड़ी को यहाँ पे टक करके भी बताऊँगी कि कैसे हेवी साड़ी को आप केनकेन स्कर्ट के साथ ड्रेप कर सकते हो। तो यहाँ पे केनकेन स्कर्ट का जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी वो तो मैंने आपको दे दी है। अब मैं इनको आपको टकिंग करने का सही तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी साड़ी के कॉर्नर पर नोड बना देनी है, उसके बाद उस नोड को अपनी पेटीकोट की लेयर जो है वहाँ से इन करते हुए बिल्कुल ये जो स्कर्ट की लेयर है वहाँ तक इनको टच कराना है, अंदर की साइड से टक करते हुए। अब आपको यहाँ पे प्लीट्स बनाना शुरू करना है। प्लीट्स बनाने के लिए आपको फैब्रिक को एक एक करके यहाँ पे लेना है, उसको प्लीट्स बनाना है, एंड देन ऊपर की साइड पे आप जब उनको टक करते हो तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक को पहले ही यहाँ पे इस तरीके से मोड़ ले रही हूँ, उसके बाद अंदर की साइड पे मैं इनको टक कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये डबल टकिंग आपकी होती है एक प्लीट की, और इससे आपकी हेवी से हेवी साड़ी भी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अब एक चीज़ और है कि आप जिस कलर की साड़ी यूज़ कर रहे हो, आपको केनकेन स्कर्ट के अंदर उसी कलर की पेटीकोट यूज़ करनी है, ताकि साड़ी और पेटीकोट के बीच में जो केनकेन स्कर्ट आ रही है उसकी कलर ज़्यादा एक्सपोज ना हो सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्लीट्स बनाते वक्त मैं यहाँ पे उनको ऊपर की साइड पे थोड़ा सा मोड़ ले रही हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगी, ताकि आप में से किसी को भी प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से साड़ी वेयर करने में। और जैसे कि अभी शादी रिलेटेड फंक्शंस आने ही वाली हैं, तो आप उस पर बिल्कुल बेफिक्र होकर इस तरीके से साड़ी ड्रेप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड से ही टक करना इस क्यों शुरू किया, इसलिए शुरू किया क्योंकि जो साड़ी की नीचे वाली थोड़ी सी फैब्रिक होती है वहाँ से बॉर्डर स्टार्ट नहीं होती है, बिल्कुल क्लीन होती है। तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड से उनको टक करना शुरू किया था। अब जो मेरे कमर के पास ऊपर की साइड पर ये जो बॉर्डर आनी शुरू हुई है, इनको मैं अपने कमर के पास इस तरीके से सेट करूँगी। उसके बाद ये बड़ी वाली सेफ्टी पिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सुई की तरह चलाते हुए। मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से, ये बड़ी सेफ्टी पिन है, क्योंकि यहाँ पे साड़ी थोड़ी सी हेवी है, तो इसलिए इनको पकड़े रहने के लिए आपको बड़ी वाली सेफ्टी पिन ही लगेगी। और उसके बाद मैं इनको अपने पेटीकोट से अटैच करते हुए सेफ्टी पिन से इनको सिक्योर कर लूँगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये हेवी हो जा रही है बॉर्डर, तो इसलिए मैं एक और सेफ्टी पिन यूज़ करूँगी, बट यहाँ पर मैं जो सेफ्टी पिन यूज़ करूँगी वो थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की होगी। और उसके बाद इनको मैं बिल्कुल थोड़ा सा मैं इनको टेढ़ा करते हुए और एक सेफ्टी पिन मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाली जो बॉर्डर है उनको मैं थोड़ा सा टेढ़ा की हुई हूँ। अब मैं यहाँ पे ये जो पल्लू वाली
फैब्रिक है इनको थोड़ा सा मैं लिफ्ट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको चारों तरफ से दिखा सकूँ कि ये किस तरीके से आई है। तो आप देख सकते हो ये है पीछे का लुक और साइड का लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फैब्रिक जो यहाँ पे पल्लू वाली है वो थोड़ी सी हेवी हो गई थी, इसलिए मैंने इनको अपने हैंड में कैरी कर लिया है ताकि मैं आपको चारों तरफ से घूम कर दिखाऊँ। और उसके बाद ये आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ पे फ्लफ़ी लुक आएगा इस स्कर्ट की हेल्प से। और जो टकिंग करने का तरीका था उस टकिंग करने के तरीके से आपकी जो लहंगा ये बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा टिकाऊ रहेगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस तरीके से साइड ड्रेप कर सकते हो अपने वेडिंग फंक्शंस में। अब यहाँ पे मैं आपको जो पल्लू वाली पार्ट है उनका मैं दुपट्टा बनाना सिखाऊंगी। और ये वाली स्टाइल मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, बट ये यहाँ पे हेवी साड़ी है। तो अगर आप ये वाली स्टाइल यहाँ पे लोगे तो आपका जो राइट साइड है वो थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टाइल काम नहीं करेगी। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपनी पल्लू वाली पार्ट के कॉर्नर को लिफ्ट करना है एंड देन आपको छोटे छोटे प्लीट्स में इनको अरेंज करना है। जैसे भी यहाँ पे प्लीट्स बन रहे हैं आपको अरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे आपने जितने भी प्लीट्स बनाए हैं उनको तो अब ब्लाउज़ के साथ अटैच करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी ही, इसलिए आपको एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन से इनको ऑलरेडी पहले ही इनको सिक्योर करना है। और यहाँ पे सिक्योर करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ी सी दूरी पे ये कॉर्नर वाली जो पल्लू वाली फैब्रिक है वो स्टार्ट हुई है। तो ये कॉर्नर वाले को भी थोड़ा सा सेट करने के लिए आपको प्लीट्स में इनको अरेंज करना है एंड देन एक और सेफ्टी पिन यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो ये जो आपकी पीछे में जो आएगी ये थोड़ी सी जिगजैग टाइप में आएगी अगर आप इनको सेफ्टी पिन से सिक्योर करते हो इस तरीके से, तो ये बिल्कुल ऐसे ही जिगजैग टाइप में आएगी। और एक और सेफ्टी पिन से मैं यहाँ पे इनको सिक्योर कर लूँगी। अब यहाँ पे जो इतनी मोटी यहाँ पे प्लीट्स बनी है इन सभी को ब्लाउज़ के साथ अटैच करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने तो पहले ही इनको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया। तो एक छोटी वाली सेफ्टी पिन लेकर केवल इनके एक लेयर को हमें अपने ब्लाउज़ के साथ अटैच करनी है। तो ये इस टाइप से हो गई है। अब इनको थोड़ा सा इस तरीके से सामने के साइड में फैलाते हुए एक और सेफ्टी पिन ब्लाउज़ के साथ अटैच करते हुए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी ताकि ये एज़ इट इज़ सामने में ऐसे ही बना रहे। और उसके बाद ये आप देख सकते हो इसका जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहो तो इसमें आप वेस्ट चेन या वेस्ट बेल्ट ऐड कर सकते हो और थोड़ी सी ज्वेलरी यूज़ करते हुए इस लुक को आप और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। सो आई रियली होप गाइस कि आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।